मेरे पास उत्कृष्ट आत्मा है और उत्कृष्ट मन है। मैं उत्कृष्ट चीज़ें करता हूँ। परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। वह मुझे असाधारण चीज़ें करने की सामर्थ्य देता है और वो कुव्वत देता है, वो पवित्रता ही देता है। मेरा मानसिक स्थिरता अच्छी तरह पहचान कर सकता है और उत्कृष्ट न्याय कर सकता है। इसलिए मैं ध्यान दूंगा वो सब बातों के ऊपर जो उत्कृष्टता की है और मेरे हर काम में उत्कृष्टता को मैं जाहिर करूंगा परमेश्वर के महिमा के लिए। हालेलुया। मैं परमेश्वर का वारिस हूँ और संगी वारिस हूँ मसीह के साथ। ये सारा जगत मुझे दिया गया है। सब कुछ जो इसमें है वह मेरे लिए है। मैं सबसे ज़्यादा सब कुछ में बहुतायत ऐसे भंडार में जीता हूँ जहाँ पर अनुग्रह से मुझे सब कुछ मिलता है। वो सारी अच्छी बातें अच्छी चीज़ें मुझे मिलती है। मैं चलता हूँ मसीह के विरासत में, उसकी समृद्धि में, ईश्वरीय सेहत के साथ। जब मैं अपने प्राण में उन्नति कर रहा होता हूँ। हालेलुया। धन्य पिता, मैं आनंदित हूँ यह जानते हुए जो मसीह यीशु की कलसिया है वह मजबूती पकड़ रही है, मजबूत और मजबूत महिमा की ओर बढ़ते जा रही है। धन्यवाद हो यह धैर्य जो तेरे संतानों में वचन प्रचार करने के लिए तूने दिया है, जो तेरी सच्चाई प्रकाशन होती है तूने उनको दी है, जिसके द्वारा वह जयवंत जीवन जीते हैं हमेशा। यीशु नाम में आमेन। मेरे विश्वास के द्वारा मैं ऊंची दीवारों पर छलांग लगाकर चला जाता हूँ। जगत किसी भी बातों के सामने मुझे व्याकुल नहीं कर पाता है। मैं शैतान के ऊपर राज्य करता हूँ और सब कुछ जो इस जगत में है उसके ऊपर भी। मेरा जीवन परमेश्वर के महिमा से भरा हुआ है। उसकी महिमा मेरे अंदर और मेरे द्वारा सदा बढ़ती जाती है, जैसे जैसे मैं उसका उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा करता जाता हूँ। प्रभु यीशु नाम में आमेन। प्यारे स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने मुझे जो मेल मिलाप की सेवा है उसके अंदर प्रभावशाली बनाया। मैं राजदूत हूँ और मसीह के भेद और रहस्य के बातों को रखने वाला मैं काम करने वाला हूँ, एक अच्छा काम करने वाला और मसीह के सेना में मैं सैनिक हूँ। हमेशा मैं परमेश्वर के वचन को जगत के पास लेकर आने में योद्धा की तरह काम करता रहता हूँ। तेरे प्रेम से, मसीही प्रेम से उनको छूता हूँ,
और तेरे अनुग्रह महिमा के साथ उन पर लाता हूँ। यीशु नाम में आमेन। परमेश्वर की बुद्धि मेरे हृदय में और मेरे मुंह के शब्दों में आज है। परमेश्वर का वचन आग की तरह मेरे हड्डियों में बना हुआ है, और जैसे मैं बोलता हूँ मेरे सारे संदेह खत्म हो जाते हैं। मैं प्रबल हो जाता हूँ और राज्य करता हूँ जीवन में अनुग्रह के द्वारा, धार्मिकता के साथ, और परमेश्वर के महिमा को मैं देख लेता हूँ और प्रकट भी हो जाता है मेरे द्वारा। यीशु नाम में आमेन। प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ वो सब कुछ जो कलसिया में तूने बढ़ाया है, फैलाया है ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि इतने सारी बातें जो व्यर्थ जा रही थी, हमारे विरोध जो दुष्टता करने वाले हैं उनकी, और कितने ही बातें ऐसी थी जिसके विषय में मनुष्यों के पास जवाब नहीं, ऐसी मुश्किल अवस्थाओं में भी जब दुष्ट हमारी मेहनत को व्यर्थ करने की कोशिशें कर रहा था और मनुष्य निरुत्तर हो रहा था, ऐसे अवस्था में भी तूने महाभयंकर तरीके से कलीसिया को फैलाया है। ये बात धन्यवाद के लिए मैं कहता हूँ। प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, जगत भर में जो आज है वहाँ एक मन हो, स्थिरता हो और तेरी उन्नति हो, और जैसे ही वह स्थिरता, एक मन होना विश्वास का हो जाता है और परमेश्वर के पुत्र का ज्ञान बढ़ जाता है, वहाँ पर मनुष्यता की परिपक्वता भी बढ़ जाती है, और जो संपूर्णता है मसीह का वह बहुत मात्रा में मनुष्यता में दिखने लगती है। ये सब बातों के लिए यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद हो, आमेन। प्यारे पिता, मेरी जो शक्ति है जिसके अंदर सकारात्मक बातें हैं, मेरे शब्दों में से मैं उसे खोल देती हूँ, और जहाँ असीम और अनंत काल है उसमें मेरे शब्द शक्ति के साथ, सकारात्मक शक्ति के साथ खुल जाए। मैं जीवन को बोलती हूँ और सब कुछ जो मेरे चिंताओं के विषय है उन सारी बातों में मैं परमेश्वर के जीवन को बोलती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं सामर्थ्य से भरी हुई हूँ, ताकत मुझ में है, और सुसमाचार प्रचार करने का धैर्य भी मुझ में है, और जो प्राण बड़े मुश्किलों में पड़े हुए हैं उनको राज्य में लाने के लिए मैं सामर्थ्य हूँ। मैं घोषणा करती हूँ अनुग्रह महान है मेरे परिवार के ऊपर, मेरे काम, मेरी सेवा और मेरे आर्थिक परिस्थितियों में। मैं निश्चित कर देती हूँ परमेश्वर का वह शब्द मेरे सारी परिस्थितियों में मौजूद है, और वही
मेरे जीवन आने का कारण है। उन्हीं शब्दों को जिसमें जीवन है मैं बोलती हूँ। हालेलुया। प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ इस अवसर के लिए कि तूने मेरी सुनी और मेरे वचनों को, जो तेरे वचन है, मैंने उसे मुँह से बोला तब तूने उसे ग्रहण किया। मेरा विश्वास बढ़ गया और नतीजे के तौर पर तेरा वचन आज भी मेरे अंदर मौजूद है। मेरा हृदय सदा के लिए तेरे वचन का पीछा करता है और मेरे विश्वास के द्वारा, जो मैंने तेरे वचन में रखा है, सारी परिस्थितियों के ऊपर मैं प्रबल हो जाता हूँ और सारी बातें, सब कुछ परमेश्वर तू मेरे लिए महिमा और तेरे नाम को प्रशंसा होने के लिए ही करता है। आमेन। परमेश्वर का वचन मेरे अंदर कार्यक्रम बनाता रहता है, जो बिल्कुल सफल होने के लिए मेरे जीवन में काम करता है। वह मुझे आगे चलने के लिए खींचता है, मुझे सामर्थ करता है और उत्तेजित करता है। ऊंचा उठने के लिए वो मेरे अंदर प्रेरणा देता है, मुझे चलने की कुव्वत देता है और मुझे स्पष्ट वो उद्देश्य दिखाता है जो परमेश्वर के वचन में मेरे लिए है। धन्यवाद हो प्रभु, तू मेरी अगुवाई करता है संपूर्ण सच्चाई में। यही सच्चाई मुझे तू सिखाता है ताकि मैं सही चुनाव कर सकूं और मेरे फैसले बने रहे तेरी सिद्ध इच्छा में मेरे जीवन में। मेरा जीवन तेरे वचन से नियंत्रित होता है और तेरे वचन ही के द्वारा दिशाएं उसे मिलती है, इसलिए मैं हमेशा जीतता रहता हूँ। हालेलुया। जब मेरा ध्यान रहे, उस समय मेरे ध्यान में केवल परमेश्वर ही का वचन रहता है। जब मेरा संगति है, उस समय वह केवल पवित्र आत्मा के साथ बना रहता है। इसीलिए लगातार मैं अपने ध्यान में और संगति में एक मन होके परमेश्वर के साथ और पवित्र आत्मा के साथ हूँ। मैं लाई गई हूँ एकदम अद्भुत परमेश्वर के ज्ञान में और प्रभु यीशु मसीह की पहचान में, इसलिए उसका अनुग्रह मेरे जीवन को बहुगुणित करता है। रोज के रोज परमेश्वर का अनुग्रह अच्छे लोग मेरी तरफ आकर्षित करता है। परिस्थितियाँ, अच्छी परिस्थितियाँ और जो भी चीज़ें मेरी ज़रूरत में है, परमेश्वर के उद्देश्य के साथ है मेरे जीवन में, वह आकर्षित करता है। मेरा अनुभव है कि मैं एक लंबी छलांग ले पाता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के महिमा के ऊंचे क्षेत्र में, स्तर पर मैं डूबता रहता हूँ उसके महिमा में। यीशु नाम में आमेन। धन्यवाद हो धन्य परमेश्वर, जो मसीह का जीवन मेरे अंदर है, जिसके द्वारा ईश्वरीय स्वभाव और ईश्वरीयता मेरे अंदर सहभागिता में है। मुझ में तेरा गुण और तेरी ईश्वरीयता मौजूद है, यही मुझ में से व्यक्त होता है और मेरे द्वारा भी दिखता है।
मैं इसी ध्यान में चलता हूँ कि मेरा नया जीवन और मसीह के गुण मेरे अंदर आज और हमेशा के लिए हैं। यीशु नाम में आमीन। मेरे कामकाज में पूर्व नियोजित मंजिल रखी गई है। मेरा जीवन परमेश्वर के उद्देश्य के साथ है, क्योंकि वही उसके आत्मा के द्वारा मुझे अगुवाई करता है और उन्हीं मार्गों से ले जाता है जो पहले से ही तैयार कर रखी है मेरे लिए। सब कुछ मेरा जो है हमेशा परमेश्वर पूरा करता है। जो कुछ भी वो चाहता है उसे पूरा करने के लिए वो बातों की ज़रूरतें मुझ में दे चुका है। वह अब बहुतायत में मुझ में मौजूद है। मैं सफलता के रास्ते से अगुवाई में चलता हूँ। जीत और कभी ख़त्म न होने वाली उन्नति मेरे अंदर है उसी अगुवाई के कारण। यीशु नाम में आमीन।